मेरा ताल्लुक बॉस्टन संडे स्कूल से है। हमारे संडे स्कूल की इस परफॉर्मेंस के किरदार ये हैं। मालिक का पहला नौकर, मालिक का दूसरा नौकर, मालिक का तीसरा नौकर, मालिक का बेटा, ठेकेदार, ठेकेदार के नौकर, पहला किसान, दूसरा किसान, मोहतरम जजेस, किया है। पहला पसे मंजर यानी के बैकग्राउंड, दूसरा ड्रामा यानी के एक्शन, तीसरा इखलाकी सबक यानी के मॉरल लेसन। इस हवाले को तीन हिस्सों में इसीलिए तकसीम किया गया है ताकि सब लोगों को आसानी से समझ आ सके। मोहतरम जजेस, खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की बादशाहत की बातें तमासील की शक्ल में पेश की है और जिस तमसील पर आज हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो है ताकिस्तान की तमसील। ताकिस्तान अंगूरों के उस बाग को कहते हैं जिसमें अंगूरों की बेलें होती हैं। अब देखते हैं कि मालिक ताकिस्तान की तैयारी के लिए क्या क्या करता है। पाकिस्तान की तैयारी के लिए अच्छा सा हल चलाओ। चल मुड़े तुर पै सामी, आपने देखा कि मालिक ने ताकिस्तान की तैयारी के लिए सबसे पहले हल चलाया, फिर पानी लगाया और उसके बाद अंगूरों की बेलें लगाई और अब अंगूरों की बेलें बढ़ती बढ़ती गई और एक मुकम्मल ताकिस्तान बन गया। पालने के लिए एक हाउस बनाया। मालिक ने पाकिस्तान की रखवाली के लिए एक बुर्ज बनाया। ये सब कुछ करने के बाद मालिक ने ताकिस्तान ठेके पर दे दिया और खुद कुछ देर के लिए परदेश चला गया। अब देखते हैं कि ठेकेदार ताकिस्तान के साथ क्या करता है। जी मालिक, जाओ फल पकने का मौसम आ गया है, ठेकेदार के पास जाओ और उसे फल का हिस्सा दे। जी मालिक।
वो देखो हमारे बाग में कौन फिर रहा है। तुम कौन हो? मुझे मालिक ने भेजा है, आकर अपने फल का हिस्सा लेके आओ। ठेकेदार साहब, मालिक का नौकर आया है फल का हिस्सा लेने। कौन सा हिस्सा? तुम कौन होते हो हिस्सा मांगने वाले? पकड़ो इसको और पीटो और भगा दो यहाँ से। मालिक, उन्होंने मुझे मारा, पीटा और भगा दिया। कौन हो तुम? मालिक ने भेजा फल का हिस्सा दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत है मुझसे फल का हिस्सा लो? पकड़ो इसको भी और पीटो और भगा दो यहाँ से। मालिक, तुमने मुझे मारा, पीटा, भगा दिया। क्या सबको इकट्ठे इधर हाजिर करो। तुम सब मिलकर जाओ और फल का हिस्सा जरूर लेकर आना। कौन हो तुम सब लोग? स्वामी, अब मालिक क्या करेगा? आप मेरे साथ मिलकर देखें कि अब मालिक क्या करेगा। अब मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ, शायद ठेकेदार उसी का लिहाज कर ले। बेटा। जी बाप। तुम जाओ और बाग फल का हिस्सा लेकर आओ। तुम उस बाग के असल वारिस हो, शायद वो तुम्हारा ही लिहाज कर ले। अरे वो देखो, बाग का असल वारिस। आओ पकड़ो और इसको कत्ल कर दो ताकि ये बाग हमारा हो जाए, हम इस बाग के मालिक बन जाए। सामीन, आपने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के असल मालिक को भी कत्ल कर दिया है। अब मालिक आएगा और उन्हें मार के भगाएगा और पाकिस्तान किसी और को ठेके पर दे देगा। ये तमसील दुनिया के बारे में है कि खुदा ने दुनिया का ताकिस्तान लगाया और उसमें अपने तरह तरह के नबी भेजे, आदम, नूह, याकूब, इब्राहिम, और दुनिया के ठेकेदारों ने किसी को मार दिया, किसी को कत्ल कर दिया, और यूहन्ना इस्तबागी का तो उन्होंने सिर कलम कर दिया। और अब आखिरकार उसने अपना बेटा भेजा जो इस दुनिया का असल वारिस है, और दुनिया के ठेकेदारों ने उसे भी कत्ल कर दिया। अब देखते हैं कि यीशु मसीह दुनिया के ठेकेदारों के बारे में क्या फरमाते हैं। जिस पत्थर को बंगारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमसे खुदा की बादशाही ले ली जाएगी और उन लोगों को दे दी जाएगी जो अच्छा फल लाए। आमीन। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।